स्पॉन्सर्ड बाय फूड अड्डा, मुंबई फेमस फास्ट फूड ब्रांड। पालका में आयोजित ग्राम सभा बनी मजाक, जिम्मेदारों ने मोड़ा मुंह, बारपंच और ग्रामीणों में आक्रोश। चित्तौड़गढ़ जिले भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर बड़े उत्साह के साथ ये पर्व मनाया गया। वही कई पंचायत स्तर पर शिविरों को लेकर बैठक आयोजित हुई, लेकिन चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ रखा है। जी हां, आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पालका में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन हो रहा था। सूचना पर वार्ड पंच, ग्रामवासी और पंचायत से जुड़े कर्मचारी बैठक में पहुंचे, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के नहीं आने से मौजूद लोगों में आक्रोश है। बैठक की सूचना सभी को दी गई, लेकिन जिम्मेदारों ने ग्राम सभा से अपना मुंह मोड़ लिया है। ऐसा क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। घंटों तक महिला, पुरुष और कर्मचारी पंचायत में बैठे रहे और अधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन अंत में निराश होकर उन्हें घर लौटना पड़ा। गौरतलब रहे कि प्रदेश की सरकार द्वारा 1 सितंबर से पंचायत स्तर पर शिविर लगाने का आह्वान किया था। शिविर को लेकर सभी पंचायतों में बैठक आयोजित की जा रही है और पट्टे बनाने की प्रक्रिया जोरों से चल रही है। करीब प्रदेश में 10 लाख पट्टे जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही बता दें कि ग्राम पंचायत के पिछले कार्यकाल में कई लोगों ने पालका में चरनोट और बिना नाम जमीन पर कब्जा लिया है। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन दिया और अतिक्रमण हटाने की मांग की। तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पालका में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। पटवारी गोपाल ढोली द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से गोपाल खटी की खास रिपोर्ट। पंचायत पालका से आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ग्राम पंचायत पालका में ग्राम सभा होनी थी, जो ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, सहायक सचिव कोई आए ही नहीं। सभी ग्रामवासी कुछ अपनी समस्या लेके ग्राम पंचायत पालका में आए थे, लेकिन सभी को निराश होकर वापस घर लौटना पड़ा। सरपंच, सचिव और सहायक सचिव सभी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आज हमें पता ही नहीं है आज ग्राम सभा होनी थी या नहीं, हमने कोई सूचना जारी नहीं की। जबकि सभी को सूचना मिली कि आज ग्राम पंचायत में ग्राम सभा है, सभी जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सभी यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन सरपंच, सचिव कोई ग्राम सभा में नहीं आया। सभी के विकास मुद्दे या किसी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, सभी निराश होकर घर लौट गए।